नमस्ते, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ बहुत ही इफेक्टिव आसनास जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, कब्ज को दूर करने में और हेल्दी रहने में बहुत हेल्पफुल है, जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन माला आसन, इसके लिए आप स्क्वाटिंग पोजिशन में बैठ जाएं। बैक स्ट्रेट रहेगी, कोर इंगेज रहेगा। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ जॉइन करें और यहाँ पे कुछ डीप ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे। ये आसन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। कब्ज के लिए तो एकदम रामबाण है ये आसन। इसे आप इसी तरह से बैठ के कर सकते हैं और इसमें कुछ वेरिएशंस भी किए जा सकते हैं, जिसके लिए आप अपना एक हाथ नीचे रख सकते हैं और दूसरा हाथ से ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ 5 डीप ब्रेथ के लिए रुकेंगे और फिर इसे करेंगे दूसरी तरफ। और धीरे से आसन से बाहर आ जाएंगे। अब जो दूसरा आसन हम करने वाले हैं वो है सिटिंग अर्थ पवन मुक्त आसन, जिसके लिए आप दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दें, बैक को सीधी रखें, स्टमक इंगेज रखें, राइट लेग को फोल्ड करेंगे और राइट थाई को पेट की तरफ प्रेस करेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे। हर तरफ 5 काउंट के लिए रुकेंगे। इसे आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल दिखने वाला पर बहुत ही इफेक्टिव आसना है। अब हम करेंगे सिंपल स्पाइनल ट्विस्ट, जिसे हम बैठकर कर सकते हैं। हम फोल्ड करेंगे अपना राइट लेग और सेम अर्थ पवन मुक्तासन की तरह इसे राइट थाई को पेट की तरफ प्रेस करेंगे और लेफ्ट हैंड लेफ्ट एल्बो राइट नी के पास में लगाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। पीछे की तरफ देखेंगे, बैक सीधा, चिन और शोल्डर एक लाइन में रहेगा। इससे आपकी पूरे डाइजेशन को बहुत अच्छा मसाज मिलता है। यहाँ कुछ डीप ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे, जितना भी आप कंफर्टेबल हैं, और इस आसन को आप 3 से 5 बार रिपीट करें ईच साइड। ऐसे ही करेंगे दूसरी तरफ, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड बैक, राइट हैंड राइट एल्बो नेक्स्ट टू लेफ्ट नी एंड लुक बैक। सेंटर में आ जाएंगे और नेक्स्ट आसन के लिए अपने बैक पर लेट जाएं। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन, जिसके लिए अपने पैरों को मोड़ लें और अपने दोनों पैरों को पेट की तरफ, दोनों थाइस को पेट की तरफ प्रेस करेंगे और हाथों से फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। और आप यहाँ पे 5 से 10 ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे। इस आसन का दूसरा वेरिएशन हम कर सकते हैं। इस आसन को 10 times रिपीट करेंगे। दोनों पैरों को नीचे खोलें, फिर प्रेस करें, हिप अप करें और चिन को नीज के बीच में लेकर आएंगे। 1, 2 ये करने से आपको मालूम पड़ेगा कि इस टाइम पे आपकी पेट में मसल्स काम कर रहे हैं, वो बर्न होना शुरू होता है। ये बहुत ही अच्छा आसन है,
डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसका फंक्शन नॉर्मल करने के लिए। तो इसे कुछ टाइम रिपीट करेंगे, 5 से 10 बार, और धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट आसन के लिए अपने पेट पर लेट जाएंगे। नेक्स्ट आसन है धनुरासन, बो पोज। पेट पे लेकर अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपने दोनों एंकल्स को पकड़ के अपने चेस्ट और थाइस को ऊपर उठाएंगे, पैरों को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। इससे आपको फील होगा पूरे पेट में एक दबाव, और इसे कुछ टाइम होल्ड करेंगे और धीरे से नीचे आ जाएंगे। एक साइड टर्न होकर के आप नॉर्मल बैठ सकते हैं। और आज का जो लास्ट आसन है, जिसे बहुत ही इफेक्टिव आसन माना जाता है योग, आज का जो लास्ट आसन है उसे योग में बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन माना जाता है डाइजेशन के लिए, जिसका नाम है वज्रासन। तो आप पहले अपनी नीज पर आ जाए और धीरे से अपने हिप्स को अपनी हील पर रख दें, हील्स पर रख दें। ये आसन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये आसन खाने के बाद किया जाना भी बहुत इफेक्टिव माना जाता है, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। इस आसन में बैठ के कुछ देर रिलैक्स करें, अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लेकर जाएं। और 5 से 10 मिनट आप इसे कम से कम करें, और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको हेल्प करेगी। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट आसन जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप ट्राई करें। थैंक यू। नमस्ते। सी यू सून।